फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह उस क्वेश्चन का आंसर देना है, कि ये टेक्निकल आंसर भी नहीं है और हम क्या क्या चीजें बताएं और क्या नहीं बताएं। तो आज इस वीडियो में हम ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपको इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। तो चलते हैं सबसे पहले आंसर पर कि सबसे पहले क्या आपको बोलना है। सबसे पहले आपको बोलना है अपना नाम। सर, माई नेम इज प्रदीप बामल। या आप उसको एक दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, माई नेम इज प्रदीप बामल, मेरा नाम प्रदीप बामल है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें जो है, इसमें हमें अपने प्लेस के बारे में बताना है कि मैं बिलोंग कहां से करता हूं, कि मैं रहने वाला कहां का हूं। तो वो एक शॉर्ट में हम उनको बता देते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर आप किसी स्टेट से आए हैं डायरेक्ट, तो आप पहले स्टेट का बताएंगे, या स्टेट के अंदर ही कहीं से हैं, जैसे दिल्ली में किसी प्लेस से हैं, आई एम फ्रॉम द्वारका सेक्टर 14, आई एम फ्रॉम द्वारका 16, द्वारका 10, आई एम फ्रॉम जनकपुरी। तो इस तरह करके आपका जो प्लेस है उसके बारे में बताएंगे। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से, और आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, आई बिलोंग फ्रॉम यूपी। तो इस तरह करके आप ये दूसरी तरह का भी आंसर दे सकते हैं जो आपको बेटर लगे। उसके बाद में आ जाती है आपकी हायर क्वालिफिकेशन। आपको ये नहीं बताना कि मैंने अपनी 10th कहां से की, मैंने 12th कहां से की, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कहां से की, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको सिर्फ अपनी हायर एजुकेशन के बारे में इंटरव्यूअर को बताना है, माई हायर क्वालिफिकेशन इज, आपकी ITI है, ITI, आपने डिप्लोमा की है, डिप्लोमा, माई हायर क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, माई हायर क्वालिफिकेशन इज ITI इन मैकेनिकल, या आपने BTech किया है, माई हायर क्वालिफिकेशन इज BTech, या जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस तरह करके आंसर कर देंगे। या आई एम ग्रेजुएटेड, या आई एम ITI होल्डर। आपने अगर ITI किया है तो आप बोल सकते हैं, सर आई एम ITI होल्डर। अगर आप डिप्लोमा किया है, सर आई हैव डन डिप्लोमा इन सो एंड सो फील्ड। तो इस तरह करके आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा, ITI या जो भी क्वालिफिकेशन है रिसेंटली की है, आई हैव रिसेंटली डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव रिसेंटली डन माई ITI, आई हैव रिसेंटली डन माई BTech, और साथ में जो ट्रेड होता है वो आपको अगर टेक्निकल है तो आपको बताना है, BTech इन इलेक्ट्रिकल, BTech इन EEE, या जो भी आपका ट्रेड है। इसके बाद में आते हैं अगले में, आपको बताना है अपना स्किल और अपनी क्वालिफिकेशन। स्किल में आप क्या बता सकते हैं, सर आई एम क्वाइट गुड इन हैंडलिंग साइट प्रॉब्लम। अगर आप एक इंजीनियर, मैनेजर या सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सर आई एम क्वाइट गुड इन हैंडलिंग साइड प्रॉब्लम, साइड कंसर्न, साइड इश्यूज, मुझे वो चीजें हैंडल करनी आती हैं। फाइनली आपने क्वाइट गुड क्यों बोला, क्योंकि फाइनल डिसीजन इंटरव्यू लेने वाले को करना है कि आप कितने अच्छे हैं, कैसे हैं, तो आपको उसमें क्वाइट गुड बताना है कि मैं इसमें अच्छा हूं। उसके बाद में आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि सर आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन माई इन द फैसिलिटी, 10 ईयर एक्सपीरियंस, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप उसको बता देंगे। इसके साथ साथ में आप उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में, जो आज थोड़ा ट्रेंडी हो रखा है, आई एम कैरिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो इस तरह करके भी आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट पर, लिटल बिट अबाउट योर फैमिली। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि
इंटरव्यूअर का कंसर्न रहता है कि वो आपको आपका बैकग्राउंड क्या है वो देखे। तो आपका बैकग्राउंड बताने के लिए थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में भी बताना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, वी आर टू ब्रदर वन सिस्टर, वी क्या आप आंसर दे सकते हैं। इन माई फैमिली देर इज फोर मेंबर्स, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर एंड मी। तो इस तरह के छोटा सा एक इंट्रो अपनी फैमिली के बारे में भी देना है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट में आप उनको बोलेंगे, सर दैट इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इस तरह करके आप आंसर उसको दे सकते हैं। अब इसको वन गो में कैसे बोलेंगे, सर माई नेम इज प्रदीप बामल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माई हायर क्वालिफिकेशन इज बी टेक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में आई एम क्वाइट गुड टू गिविंग ट्रेनिंग्स, ऑडिट एंड अदर फैसिलिटी रिलेटेड कंसर्न, आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, माई फैमिली वी आर टू ब्रदर्स, माई मदर, माई फादर, वी आर टोटल 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, सर दैट इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स इस तरह करके आप उनको पूरा इंट्रो दे सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ का आप आंसर कर सकते हैं। करने को हम इसको थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, बट दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।